हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है सी फोर साइकिल। तो सी फोर साइकिल जो है वो 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम पढ़ेंगे सी फोर साइकिल। सी फोर साइकिल जो होता है वो सी फोर प्लांट्स में होता है। यानी सी फोर प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? सी फोर प्लांट्स जैसे मोनोकोर्स जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सी फोर प्लांट्स होते हैं। सी फोर प्लांट्स में जैसे जिया मेज आ गया, यानी मक्का आ गया, सुगर केन आ गया, ये सब जो होते हैं वो किस में आते हैं? सी फोर प्लांट्स में आते हैं। तो सी फोर प्लांट में हम इनका साइकिल पढ़ने से पहले इनमें पढ़ेंगे हम क्रेंज एनाटोमी। यानी सी फोर प्लांट में क्या पाई जाती है? क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है जो मोनोकोर्स में मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेंज एनाटोमी होती क्या है, हम ये देखेंगे कि इसे यानी क्रेंज एनाटोमी कहते किसे हैं। तो वैस्कुलर बंडल यानी संवहन पुल के चारों ओर बंडल सीत का एक आवरण पाया जाता है जिसे क्रेंज एनाटोमी कहते हैं। ये यहाँ पे हम इसमें डायग्राम में भी दे सकते हैं। जैसे ये वैस्कुलर, ये पूरा वैस्कुलर बंडल हो गया, इसके चारों ओफ ये क्या पाई जाती है? बंडल सीत पाया जाता है। ये बाहर की तरफ यानी फ्लोएम, यानी प्लांट्स को जो, यानी फ्लोएम होता क्या है? यानी प्लांट्स को जो फूड देते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम कहते हैं। प्लांट्स तक फूड कौन पहुँचाता है? फ्लोएम पहुँचाता है। और जाइलम, पानी पहुँचाया जाता है वो किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? जाइलम के द्वारा पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पर ये फ्लोएम और जाइलम, यानी बाहर की तरफ इसमें फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहते हैं? क्रेंज, यानी इसे क्रेंज कहते हैं। ये क्रेंज रिंग होती है और इसे क्या कहते हैं? क्रेंज एनाटोमी कहते हैं। इन कोशिकाओं के चारों तरफ जो होते हैं वो मीजोफिल सेल पाई जाती है। इन कोशिकाओं के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? मीजोफिल सेल पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये पत्तियों में होता है। तो पत्तियों में डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यानी इनमें दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इनमें डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिसमें पहला है मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट। यानी जो मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट मिलता है उसको बोलते हैं मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट, और बंडल सीथ में जो क्लोरोप्लास्ट मिलता है उसको, जो बंडल सीथ सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मिलता है उसको बोलते हैं बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट। तो हम पहले देखेंगे मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट जो मीजोफिल सेल में उपस्थित होता है। ये मीजोफिल जो क्लोरोप्लास्ट होता है यानी हरित लवक होता है, ये किस में होता है? मीजोफिल सेल में होता है। ये संख्या में छोटे होते हैं और संख्या में, साइज में छोटे होते हैं और संख्या में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। मीजोफिल सेल में होता क्या है? यानी जो पेप, यानी जो पीप यानी फॉस्फो इनोल जो पायरुविक एसिड होता है वो उसमें क्या होता है? फर्स्ट सीओ टू एक्सेप्टर होता है। तो ये पेप को एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। यानी मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल के अंदर पेप यानी फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड जो होता है वो सीओ टू के साथ अटैच होकर क्या बनाता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। उसमें काम आने वाला एंजाइम कौन सा हो गया? पेपको एंजाइम। ये क्या होता है? फर्स्ट सीओ टू एक्सेप्टर होता है। उसके बाद हम देखेंगे बंडल सीथ, यानी बंडल सीथ के अंदर जो होता है यानी बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये बंडल सीथ जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये आकार में बड़े होते हैं और संख्या में क्या होते हैं? ये कम होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? जैसे RuBP जो सेकंड CO2 एक्सेप्टर होता है, इसके अंदर RuBP के साथ जो CO2 क्या होता है? अटैच हो जाता है। यानी सेकंड CO2 एक्सेप्टर कौन होता है? RuBP होता है। और ये क्या बनाता है? PGA बनाता है। तो इसमें क्या होता है? ये रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में बनाता है। RuBP से CO2 जो जुड़ जाता है और उसे क्या बनता है? PGA बन जाता है। तो ये सेकंड CO2 एक्सेप्टर हो गया। तो ये हमने क्रेंज एनाटोमी पढ़ी जो किस में पाई जाती है? जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें मिलती है। और अब हम पढ़ेंगे C4 प्लांट का साइकिल, यानी C4 साइकिल। सी फर्स्ट ऑफ ऑल C4 साइकिल दिया किसने था? हैस व स्लैक जो होते हैं, स्लैक जो हैं उन्होंने क्या दिया था? C4 साइकिल दिया था। और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं, यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। ये गन्ने व मक्के की पत्तियों में इसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यानी ये किस में पाया जाता है? मोनोकोर्स में पाया जाता है। यह चक्कर ज़्यादातर मोनोकोर्स में चलता है, जैसे सुगर केन हो गया, जिया मेज हो गई। इसमें C4 पादप जो होते हैं वो गर्म स्थानों पे पाए जाते हैं। C4 प्लांट्स कहाँ पे मिलते हैं? गर्म स्थान पे मिलते हैं। अब हम देखेंगे C4 साइकिल। C4 साइकिल में जो
जो मोनोकोट्स होते हैं उनकी पत्तियों के अंदर होता है, तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले मीजोफिल सेल हो गई और बंडल सीड सेल हो गई। मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है, मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट मिलता है और बंडल सीड के अंदर बंडल सीड क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो ये फर्स्ट जो है मीजोफिल सेल में चलेगा और बंडल सीड सेल में ये साइकिल चलता है। तो हम देखते हैं कि जैसे पीईपी क्या होता है, फर्स्ट सी ओ टू एक्सेप्टर होता है यानी फॉस्फोइनोल पायरविक एसिड। ये क्या होगा, वायुमंडल में यहाँ पे सी ओ टू आके इससे अटैच होगी और पीईपी और प्लस सी ओ टू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाते हैं जो क्या होता है, चार कार्बन का होता है। यानी जो फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड इसमें क्या हो गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये क्या हो गया, चार कार्बन का कंपाउंड होता है, इसलिए भी इसे C4 साइकिल या C4 प्लांट्स कहते हैं। फिर आगे क्या होगा, इसमें कौन सा एंजाइम काम आएगा, इसमें पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो काम आता है। फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या बनाता है, मैलिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, NADPH2 जो होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और NADP+ बनाता है। NADPH2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और NADP बन जाएगा। फिर ये मैलिक एसिड जो होता है वो क्या, कहाँ एंटर करेगा, ये बंडल सीथ में एंटर करेगा। तो यहाँ पे मैलिक एसिड का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है और ये मैलिक एसिड कहाँ पहुँच जाता है, बंडल सीथ में पहुँच जाता है। तो यहाँ पे ये चार कार्बन का जो मैलिक एसिड होता है इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होकर क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है जो तीन कार्बन का होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, NADP से NADPH2 बनता है, यानी NADPH से यानी ऑक्सीकृत रूप इसका क्या होता है, अपचयन रूप में चेंज हो जाता है, यानी NADP से NADPH2 बनता है। और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो एक CO2 क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। CO2 बाहर निकल कर क्या करेगा, RuBP के साथ अटैच हो जाएगा, यानी ये सेकंड CO2 एक्सेप्टर होगा और इसमें रूबिस्को है जो एंजाइम है वो काम आता है। और यहाँ पे जो ये यहाँ पे C3 साइकिल जो होती है वो वापस स्टार्ट हो जाती है, यानी यहाँ पे C3 साइकिल स्टार्ट हो जाएगी जिससे ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से सुक्रोज और फिर स्टार्च बन जाएगा। ये बंडल सीथ के अंदर होता है, यहाँ पे क्या होती है, C3 साइकिल बनती है। फिर यहाँ पे मैलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से जो पायरुविक एसिड बनता है जो तीन कार्बन का होता है, इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बंडल सीथ से कहाँ होता है, मीजोफिल सेल में होता है। यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्ट होता है, जो पायरुविक एसिड जो होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, मीजोफिल सेल में पहुँच जाता है। फिर ये पायरुविक एसिड जो होता है वो किस में बदल जाता है, पीईपी यानी फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में बदल जाता है। यहाँ पे जो एंजाइम काम आता है वो है पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जिसमें क्या होता है, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम काम आता है, पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनता है। और यहाँ पे क्या होता है, ATP से AMP प्लस 2IP बाहर निकलते हैं। यहाँ पे ATP का क्या होता है, यूज़ हो जाता है, जिसमें AMP और 2IP जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इस तरह ये हमारा जो C4 साइकिल था वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो मीजोफिल सेल होते हैं उसमें क्या होते हैं, ग्रेनल हरित लवक उपस्थित होते हैं, यानी यहाँ पर जो ग्रेनल हरित लवक हैं वो उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे पेप कार्बोक्सिलिक एंजाइम जो होता है वो पाया जाता है। ये कहाँ पर मिलता है, मीजोफिल सेल के अंदर। और जो बंडल सीज जो सेल होती हैं उसके अंदर एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और यहाँ पे जो रूबिस्को एंजाइम जो होता है वो उपस्थित होता है, यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम और एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये अपना C4 साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसके अंदर C4 का जो इसमें ATP होते हैं वो टोटल कितने बनते हैं। तो C4 प्लांट्स में एक ग्लूकोज का संश्लेषण करने के लिए कितने ATP बनते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, 66 ATP बनते हैं। यानी C4 प्लांट के अंदर ग्लूकोज का संश्लेषण करने के लिए 66 ATP बनते हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा, 6 टर्न होंगे, जिसमें C3 जो साइकिल होगा वहाँ पे आपको पता है, मैंने पीछे भी C3 साइकिल पढ़ाया था, उसमें कितने ATP बने थे, 54 ATP बने थे। तो 54 ATP यहाँ बन गए। और जो 6 टर्न के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे यानी PPDK यानी पायरुवेट फॉस्फेट जो काइनेज होता है वहाँ पे ATP से क्या बनता है, 2IP बनते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 6 टर्न में क्या हो गया,
जो डो एटीपी थे वो खर्च हो गए, तो डो 6 टर्न मानी 6 बार ये चला, तो 2 × 6 यानी 12 एटीपी, यानी यहाँ पे कितने एटीपी खर्च हो गए, 12 एटीपी खर्च हो गए, यानी C3 साइकिल में हो गया 54 एटीपी और यहाँ पे हो गया 12 एटीपी, यानी टोटल कितने एटीपी हो गए, 66 एटीपी, यानी C4 प्लांट्स के अंदर एक ग्लूकोज का संश्लेषण करने के लिए 66 एटीपी की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा C4 साइकिल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।